नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपकी साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काठमांडू में आयोजित होने वाले दो दिवसीय विस्मटेक के चौथे सम्मेलन में शामिल होने के लिए नेपाल पहुंचे। आपको बता दें कि विस्मटेक बंगाल की खाड़ी से सटे देशों का संगठन है। कार्यक्रम की शुरुआत में विस्मटेक के नेता संयुक्त रूप से सम्मेलन के आयोजक और नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिले। वहीं अब से थोड़ी देर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रि भोज का कार्यक्रम है। कल सदस्य देशों के नेताओं की मुलाकातें और बैठकें होंगी और दोपहर बाद विस्मटेक का समापन सत्र होगा। सम्मेलन के बाद संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि 16 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की मासिक पुण्यतिथि होगी। इस मौके पर बीजेपी की सभी इकाइयों द्वारा काव्यांजलि दी जाएगी। इस दौरान देश के 4000 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं की रिकॉर्डिंग को जारी किया जाएगा। इसके अलावा कवि सम्मेलन के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसमें कवि अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं को पढ़ेंगे और उनके द्वारा वाजपेयी के लिए लिखी गई कविता का गुणगान होगा। कांग्रेस पर नोटबंदी के मुद्दे पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने आज दावा किया कि इस कदम से काला धन बैंकों में जमा हुआ, आयकर विभाग में वृद्धि हुई और बिना लेखा जोखा वाले बेहिसाबी धन का लेखा जोखा हो सका। भाजपा प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि नोटबंदी की सबसे बड़ी सफलता ये है कि अनकाउंटेड मनी अब काउंटेड हो गया। राफेल डील को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तनातनी के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि देश का आईक्यू आपसे ज्यादा है। राफेल डील की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराए जाने की राहुल की मांग पर अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि आपने राफेल की कीमत दिल्ली, कर्नाटक, रायपुर, हैदराबाद, जयपुर और संसद में अलग अलग बताई, जिससे देश को मूर्ख बनाने का आपका झूठ स्पष्ट है। चारा घोटाले से जुड़े मामले में सजा काट रहे राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आज रांची की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। आपको बता दें कि लालू 10 मई को अपने बेटे तेज प्रताप यादव की शादी के लिए बाहर आए थे, जिसके बाद अब करीब 110 दिन के बाद वो जेल लौटे हैं। अब उन्हें रिम्स अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। SC ST एक्ट के विरोध में बिहार के कई जिलों में सवर्णों के विरोध के प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। गया, बेगूसराय, नालंदा और बाढ़ जिलों में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। साथ ही गया में सड़कों पर जाम हटाने में पुलिस पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। कहीं पथराव तो कहीं सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही बिहार के साथ ही और जगहों पर ही दलित कानून के विरोध में लोगों ने नाराजगी और प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू के खाते में 12 सीटें और रामविलास पासवान की नेतृत्व वाली लोजपा को 5 सीटें दी जाएगी। उधर हाल ही में खीर पॉलिटिक्स के सहारे एनडीए के दबाव बनाने वाली केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की RLCP पार्टी अगर एनडीए के साथ रहती है तो उसके खाते में 2 सीटें दी जा सकती है। मद्रास हाई कोर्ट ने NHAI को एक सख्त संदेश देते हुए कहा है कि उसे अपने सभी टोल प्लाजा पर VIP और मौजूदा जजों के लिए एक अलग से एक्सक्लूसिव लेन बनानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि VIP और जजों के लिए बहुत शर्म की बात है कि वो टोल प्लाजा पर वेट करें और अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं। माओवादियों के साथ संबंधों के आरोप में गिरफ्तार 3 वामपंथी कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पुणे पुलिस ने उनके घर वापस भेज दिया है। मामले के जांच अधिकारी पुणे के सहायक पुलिस आयुक्त शिवाजी पवार ने कहा कि तीनों संदिग्धों को कल देर रात उनके शहरों में भेजने का इंतजाम किया गया। तीनों अपने घर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि तीनों कार्यकर्ताओं को नजरबंद रखा जाएगा। आतंकी सरगना सैयद सलाउद्दीन को बड़ा झटका लगा है। जांच एजेंसी NIA ने आतंकी फंडिंग के मामले में हिजबुल चीफ के बेटे शकील अहमद को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया है। शकील अहमद पेशे से लैब टेक्नीशियन है। जानकारी के मुताबिक NIA ने शकील अहमद को 3-4 बार ऑफर दिए, लेकिन उसने कोई जानकारी ही नहीं दी। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। याद हो कि NIA ने पिछले साल सैयद सलाउद्दीन के दूसरे बेटे सैयद शाहिद को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में एक 1.25 महीने की मासूम बच्ची भी शामिल है। अभी कत्ल की वजह साफ नहीं है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। खबरों के मुताबिक कपड़ा कारोबारी मनीष के घर सुबह जब दूध वाले को गेट नहीं खोलने पर पड़ोसी को शक हुआ, तब उसने जैसे तैसे पड़ोसी मनीष के घर में शामिल हुए तो देखा कि दिल दहलाने वाला मंजर था।
आजकल लोगों की जिंदगी का अहम बन चुके व्हाट्सएप पर हजारों ग्रुप चल रहे हैं। लोग इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं। इन्हीं ग्रुपों को लेकर नोएडा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन ने एक युवक को ग्रुप से निकाल दिया। इससे युवक इतना ज्यादा नाराज हुआ कि उसने जाकर एडमिन पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कड़ा रुख अपनाते हुए आतंकवाद से लड़ने की सलाह दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान की नई सरकार बहस में लिप्त होने की बजाय दक्षिण एशिया को शांत, सुरक्षित, विकसित और आतंक से मुक्त होकर वर क्षेत्र बनाने के लिए काम करेगी। बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश और एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा की फिल्म इश्केरिया के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में ऋचा चड्ढा कुहू नाम की लड़की की भूमिका निभा रही है। वहीं नील नितिन मुकेश ने राघव नाम की लड़की की भूमिका में नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग 2014 में ही शुरू हो गई थी और फाइनली अब इसे रिलीज किया जा रहा है। बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म भैया जी सुपरहिट का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। भैया जी सुपरहिट फिल्म के पोस्टर में अरशद वारसी का नया अवतार देखने को मिला है। इस फिल्म के पोस्टर में अरशद वारसी हाथ में नोट पकड़े हुए नजर आए हैं। इस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि इनके लिए पैसा सिर्फ इनकमिंग, नो आउटगोइंग। इस फिल्म में अरशद वारसी फिल्म डायरेक्टर गोल्डी कपूर का किरदार निभा रहे हैं। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।